भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक असली का धरना आंदोलन 132 दिन भी जारी रहा। इसमें होली का त्योहार मनाने से इनकार किया। त्योहार मनाने के लिए अपील करने पहुंचे नौनिहाल। संभल धनारी रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीति का असली का धरना आंदोलन 132वें दिन भी जारी रखते हुए आक्रोशित किसानों ने होली का त्यौहार न मनाने का फैसला किया। अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर किसान 4 महीने से अधिक दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा फूल भेंट करते हुए किसानों से होली मनाने का आग्रह किया गया, लेकिन आहत किसानों ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि सरकार में बैठे संवेदनहीन जिम्मेदार लोगों ने हमारी जनहित की मांगों पर विचार नहीं किया है। किसानों ने निर्णय लिया है कि होली का त्यौहार नहीं मनाएंगे, पूरे दिन भूख हड़ताल पर बैठेंगे और संवेदनहीन सरकार को कोसेंगे। इस मौके पर रामजीत सिंह यादव छोटा नेता, राजू समाजसेवी बहादुर सिंह यादव, नसीब वाली नेत्रपाल सिंह, मलखान सिंह यादव, करण सिंह, बुनकर जाकिर हुसैन, वरिष्ठ नेता ज्ञान सिंह, सतपाल सिंह कुशवाहा, डॉक्टर विवेक यादव, पवन यादव, राम रहीस यादव, मंडल प्रभारी मोरध्वज यादव, मास्टर श्रीपाल सिंह, प्रधान जी खलीलपुर, प्रमोद गिरी, पूरन सिंह कुशवाहा, सुनील यादव, हरिओम यादव, अफसर अली, जगपाल सिंह यादव, नरेश यादव आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है गुड़िया आपका? श्रीवास ने। बेटा आप जो अभी आए हो यहाँ पर, आप क्या कहने आए हो इन लोगों से? जो धरना दे रहे हैं अंकल, उनसे कहने आए हैं कि वो होली मनाएं। अच्छा, ये अंकल जो हैं वो होली नहीं मना रहे, तो आप इनको ये कहने आए कि आप जो है हमारे फूल स्वीकार करो और होली मनाओ है। ये जो आज आपको बच्चे जो फूल लेके गए हैं, और ये बच्चे क्या आग्रह करने आए थे और क्यों धरना स्थल पे आए थे ये लोग? हम लोग तीन सूत्रीय मांगों को लेकर के 4 महीने से धरना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने उस हमारे मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया है। बच्चे आग्रह कर रहे हैं कि आप होली मनाएं, लेकिन हम होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, अभी बच्चे हमारी समस्याओं के बारे में नहीं जानते हैं ज़्यादा। बच्चों का स्वभाव होता है, निर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोग 4 महीने से बैठे हैं और हम वर्तमान सांसद से, विधायक जी से, वर्तमान सरकार से, रेल मंत्री जी से, और जो तमाम कैंसरों से लोग ऑन रिकॉर्ड, एक एक गाँव में 33 लोग मौत हो चुकी है कैंसर से, और शुद्ध पानी की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। इसलिए हम होली नहीं मनाएंगे, बहिष्कार करते हैं होली का, और हम यहाँ धरना पर बैठे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। हम आग्रह करते रहेंगे अहिंसक रूप से, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे होली मनाने के लिए अपील करने नहीं आया अभी तक? प्रशासन अधिकारियों को कहाँ इतने फुर्सत है, वो तो आप होली मत मनाइए, आपके घर में चूल्हा न जले उन्हें कोई चिंता नहीं, आपका घर में रोटी नहीं है उन्हें कोई चिंता नहीं, आप 4 महीने से आपकी खेती बाड़ी नष्ट हो रही है उन्हें कोई चिंता नहीं, आपकी बेमौसम बरसात में फसल नष्ट होगी उन्हें कोई चिंता नहीं, उन्हें हमारी शिक्षा की चिंता नहीं, उन्हें हमारी चिकित्सा की चिंता नहीं, कोरोना वायरस का हल्ला काट रहे हैं, कैंसर से लोग मर रहे हैं, उन्हें इसकी चिंता नहीं। वो तो केवल वोट की राजनीति करते हैं, उन्हें जिस चीज़ को आप देखिए, गोवा में गाय कटवाने से इन्हें वोट मिलता है तो वहाँ उसको कटवा रहे हैं, यहाँ गाय बचाने से वोट मिलता है तो यहाँ वोट बचा रहे हैं। ये तो वोट का आधार बना रखा है इन्होंने, इन्हें तो जो भी काम करते हैं वोट को आधार मान के करते हैं, ये इनके अंदर जन भावना नहीं है जनता की। जो बच्चों की जो मार्मिक अपील है, थोड़ा सा आप उस पर गौर करेंगे क्या? बच्चे नहीं, बच्चों की मार्मिक अपील से हम बहुत आहत हैं, बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन हम बच्चे हैं वो हमारी समस्याओं के बारे में नहीं जानते हैं, हम बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों का भविष्य आगे कैसे अच्छा बन सकता है, बच्चे प्रदूषित पानी से कैसे निजात पा सकते हैं, हमारे बच्चों के लिए जो गौ माता है वो मधुर दूध कैसे उसकी जान बच सकती है, हमारे बच्चों के लिए हमारी महावा नदी पुनर्जीवित हो जाएगी, तो बच्चों के भविष्य के बारे में लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चे आग्रह कर रहे हैं, हम धन्यवाद के पात्र हैं, बच्चों का हम स्वागत करते हैं, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वे इन बच्चों से सरकार को सीखना चाहिए कि जब बच्चे ही आग्रह कर रहे हैं तो सरकार को भी आग्रह करना चाहिए था, लेकिन सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, सरकार हमारी नहीं सुन रही है।